बात करेंगे यहाँ सब गेहूं के बाज़ार की। तो गेहूं के बाज़ार पर हमने काफ़ी सारे फैसले आते हुए देखे हैं। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो वैश्विक सप्लाई रुकी थी गेहूं की, उसकी वजह से जो निर्यात बढ़ा था भारतीय गेहूं का, उसमें हमने उछाल आते हुए देखा। इस बार का जो एक्सपोर्ट बताया जा रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार ने हालांकि ज़्यादा अनुमान लगाया था कि इतना निर्यात हो सकता है वीट का, लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने उससे पहले ही यहाँ पर निर्यात पर रोक लगा दी। अब सरकार का ये कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो किसानों को मंडियों में जाने से पहले ही किसानों से उनके घर जाकर गेहूं खरीद ले रहे थे महंगे दाम देकर, MSP से ज़्यादा देकर, जिसकी वजह से जो किसान हैं उन्होंने अपना सारा माल बड़े व्यापारियों को बेच दिया और बड़े व्यापारियों ने उसका स्टॉक कर लिया, और स्टॉक करने के बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उसको ज़्यादा दामों में विदेश निर्यात करने लगे। तो जो निर्यात हो रहा था भारतीय गेहूं का वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था और अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। ऐसे में ये खबर भी है कि इस बार जो गर्म वक्त से पहले गर्म हवाएं चलने लग गई थी, लू चलने की वजह से भारतीय गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, 10.64 करोड़ टन के आसपास रह सकता है भारतीय गेहूं का उत्पादन इस बार, ऐसी अभी अनुमान लगाया गया है सरकार द्वारा। तो पिछले साल के कम अनुमान और ज़्यादा निर्यात होना और अनियंत्रित तरीके से होना, उस पर कोई किसी का नियंत्रण ना होना, तो इसकी वजह से इसको काबू में करने के लिए कहीं सरकार को ये लग रहा था कि कहीं भारत में भी गेहूं की किल्लत ना पड़ जाए और भारत को कहीं दोगुने दाम पर गेहूं का आयात ना करना पड़ जाए दूसरे देशों से अपना गेहूं बेचने के बाद। तो इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत सरकार का कहना है कि भारत की जनता भारत सरकार के लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले भारत की जनता आती है, उसके बाद बाकी देश आते हैं। इस पर काफ़ी सारे मंत्रियों का बयान भी आया है कि भारत सरकार ने क्यों किया है, और रीज़न सबका यही था कि भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत में किसी भी प्रकार की गेहूं की कोई किल्लत देखने को मिले, क्योंकि जो निर्यात हो रहा था भारतीय गेहूं का वो बड़े पैमाने पर हो रहा था, एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा थी वीट की, इसकी वजह से जो आटे के दाम थे वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो इन सब को रोकने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, लेकिन अभी भी जो ज़्यादातर माल है वो बड़े व्यापारियों के पास है और उन्होंने अपना माल स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि निर्यात रुकने के बाद गेहूं के जो प्राइसेस हैं उसमें नरमी आई थी और जो एक्सपोर्टर जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने ज़्यादा कीमत देकर किसानों से माल खरीदा था, तो इसलिए उन्होंने अभी माल इतना नहीं निकाला है। तो यही वजह है कि गेहूं वीट के जो प्राइसेस हैं अभी भी मंडियों में और बाज़ारों में वो ज़्यादा बने हुए हैं, पहले के मुकाबले थोड़े कम ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी भी ज़्यादा ही हैं। वहीं वैश्विक गेहूं की बात करें तो वैश्विक गेहूं यानी ग्लोबल वीट के जो प्राइसेस हैं उनमें अभी भी बढ़त ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ऐसा कोई देश सामने नहीं आ रहा है जो भारत की जगह ले सके, जो भारत के जैसे गेहूं की सप्लाई बाकी देशों को कर सके, अभी तक ऐसा कोई दूसरा देश निकल के सामने नहीं आया है। इसलिए जो ग्लोबल वीट प्राइसेस हैं उनके जो दाम हैं उनमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है।